सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आईफोन 6s की कुछ अच्छी बातें बताऊंगा। कुछ क्या, बहुत सारी अच्छी बातें हैं इस फ़ोन के बारे में। सो वीडियो पूरी देखेगा आप लोगों को, मैं सारी अच्छी बातें बताऊंगा इस फ़ोन के बारे में। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि मैं आईफोन से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, इस फ़ोन की जो अच्छी बात मुझे लगती है वो है इसका जो साइज़। दोस्तों, आजकल के जो फ़ोन आप लोग देख रहे होंगे वो कितने बड़े बड़े हो गए हैं, और अगर आपको जो है ज़्यादा फास्ट परफॉर्मेंस, अच्छा प्रोसेसर चाहिए, उसके लिए आपको और बड़ी डिस्प्ले के साथ जाना पड़ेगा। ये फ़ोन हालांकि दोस्तों है तो 5 साल पुराना, लेकिन आज भी ये अच्छे खासे जो है फ़ोन को टक्कर दे देता है। इसकी जो डिस्प्ले साइज़ है दोस्तों वो है 4.7 इंच रेटिना HD डिस्प्ले है। डिस्प्ले के मामले में भी आजकल के जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं 12-15 हज़ार तक के, उनको भी ये टक्कर दे देगा। आप अगर कोई वीडियो देखोगे, हालांकि इसके लिए इसकी जो डिस्प्ले है वो छोटी है, लेकिन अगर क्वालिटी की बात करें तो आपको जो है 15-16 हज़ार के जो एंड्रॉयड फ़ोन आते हैं उनसे बेटर एक्सपीरियंस आप इस फ़ोन में देख पाएंगे। आप कोई भी जब वीडियो यूट्यूब पर देखोगे तो आपको क्वालिटी आपको समझ में आएगी। आगे की बात करेंगे, जैसा कि हर कंपनी आजकल जो है 3.5 mm जैक हटाती जा रही हैं, इसमें आपको मिल जाएगा लाइटनिंग केबल, ज़रूर मिलता है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी बैटरी ख़राब है। आपको बता दूं, जिस तरीके से कंपनी आजकल कर रही है, फास्ट चार्जर दे रही है चार्ज करने के लिए, वहीं आपको इसमें 1715 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर आराम से चार्ज हो जाती है। सो अगर ये ख़त्म जल्दी होती है बैटरी, तो ये चार्ज भी जल्दी हो जाती है। फ़ोन आप लोग देख सकते हो, मैं ऐसे पकड़ा हूँ, एक हाथ से काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी पतला है फ़ोन, आप लोग देख सकते हो। ये सिंगल सिम, आप लोग कहते हैं कि इसमें सिर्फ सिंगल सिम है। दोस्तों यार, सिंगल सिम क्या मतलब, क्या सिम एक ही यूज़ करता है ना आदमी, लेकिन आप आज कुछ लोग होते हैं जो सिम ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मैं सिर्फ एक ही सिम यूज़ करता हूँ। सो उसके लिए जब आप एक सिम यूज़ करते हो तो फ़ोन काफ़ी फास्ट चलता है, 2-2 सिम लगी होती है, फालतू के मैसेजेस आते रहते हैं, सो वो फंक्शन नहीं मिलता है। बात करें इसकी जो है टच आईडी की, तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम करती है इस फ़ोन में। आजकल जो कंपनियाँ पीछे दे रही हैं, अगर फिंगरप्रिंट डिस्प्ले वाला यहाँ पे वाला लॉक लेना है तो काफ़ी महंगे फ़ोन होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप जो है सिर्फ अच्छी तरीके से इसको यूज़ कर पाओगे। इसमें जो ये डिस्प्ले होता है काफ़ी अच्छा होता है गाइज, यहाँ पे आप इस बटन को प्रेस भी कर सकते हो, अदरवाइज टच भी करोगे तो भी आपका जो है लॉक खुल जाएगा। सो ये तो रही दूसरी बात। अब बात करते हैं मेन चीज की, कैमरा की। सब लोग सोच रहे होंगे 5 साल पुराना कैमरा है, पता नहीं कैसा होगा। गाइज, आपको यहाँ पे 12 MP का कैमरा मिल जाता है यहाँ पे, और बात करें फ्रंट कैमरे की, तो आपको फ्रंट कैमरे में यहाँ पे 5 MP का कैमरा मिलता है। 5 साल पुराने ही भी फ़ोन में आप यहाँ से आराम से गाइज रियर कैमरे से 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो। जी हाँ गाइज, आजकल के जो फ़ोन आ रहे हैं एंड्रॉयड, उनमें 4K रिकॉर्डिंग मानता हूँ होती है, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग और इसकी रिकॉर्डिंग में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग जो स्लोमो है, स्लो मोशन भी आप यहाँ पे 1080 FPS में पी और HD एट 120 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो। इसका जो स्लोमो है काफ़ी फास्ट है और बढ़िया होता है। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पे आप 4K 30 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे जो है इसने साफ साफ लिखा भी है कि आप अगर 1 मिनट की वीडियो जो है 720p और 30 FPS में रिकॉर्ड करते हो तो 60 MB की होगी 1 मिनट की वीडियो। यहाँ पे आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें कस्टमाइज़ करके पढ़ सकते हो। आपको 4K रिकॉर्डिंग करनी है तो 4K कर लीजिए, 1080p में करनी है तो वो भी कर सकते हो। सो वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है इस फ़ोन की, आप अच्छे से रिकॉर्ड कर पाओगे। इवन 5 साल पुराना फ़ोन है और क्या चाहिए भाई इस फ़ोन में। हालांकि प्राइस अभी भी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन प्राइस के हिसाब से ये फ़ोन बहुत पावरफुल है अभी भी। लेकिन जैसा कि बात करें अगर गेमिंग वगैरह की, तो वहाँ पे मार खा जाता है, परफॉर्मेंस के मामले में नहीं, बल्कि इसकी बैटरी थोड़ी वहाँ पे वीक पड़ जाती है, कि आपको जो है बैटरी थोड़ी कमज़ोर मिलेगी। लेकिन फ़ोन अभी भी गाइज, मैं सही कह रहा हूँ, बहुत पावरफुल फ़ोन है ये जो ना, इसमें हालांकि A9 चिपसेट लगा हुआ है लेकिन काफ़ी अच्छा काम करता है। और आपको चाहिए क्या वीडियो देखने के लिए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, मैसेंजर, सो ये सारी चीज़ें इनमें चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और बैटरी हेल्थ पे मैं स्पेशल एक वीडियो जो है जल्दी लाऊंगा अपने चैनल पर, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और आप लोगों को इस फ़ोन के बारे में जानकारी दे पाऊँ। और ये फ़ोन की बात करें गाइस, काफ़ी बढ़िया है। आजकल के फ़ोन होते क्या एंड्रॉयड वगैरह गाइस, जो है आप जो है कोई ट्रांसपेरेंट कवर यूज़ करते हो,
जैसा कि ये ट्रांसपेरेंट कवर है, अगर आप इस पर यूज़ करते हो तो आपके फ़ोन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी जो ये फ़ोन की जो ये आप लोग देख सकते हो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी जो बॉडी है बहुत अच्छी बॉडी है। लेकिन यही हम बात करें अगर एंड्रॉयड फ़ोन की, तो एंड्रॉयड फ़ोन पे अगर आप ट्रांसपेरेंट या कोई सा भी कवर यूज़ करते हो तो हालांकि सेफ़ रहती है, लेकिन यहाँ पे इतने ज़्यादा स्क्रैचेस आ जाते हैं। मैंने अभी कल वीडियो एक डाली थी रेडमी 8 की, उस पर आप लोग देख सकते हो उसके इतने ज़्यादा स्क्रैचेस आ जाते हैं, आपको क्या बताऊँ। लेकिन आप इसको जो है 2 साल 4 साल जब जितने साल भी चलाना चाहो चला सकते हो। आपकी जो परफॉर्मेंस है इस फ़ोन की और आपको जो इन्जॉयमेंट मिल रहा है, आपको चलाने में मज़ा आ रहा है, जैसा आपने जब नया लिया था तब आया था, वैसा ही एक्सपीरियंस आपको 2 साल बाद भी देखने को मिलता है। आप लोग जानते हैं कि जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं वो 1 साल के बाद 6 महीने के बाद बहुत वीक हो जाते हैं, काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, स्लो चलने लगते हैं और देखने में बोरिंग लगते हैं, स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं एंड्रॉयड फ़ोन के साथ। वहीं हम बात करते हैं आईफोन 6s की, तो इसमें आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया है, छोटा है और iOS 14 का भी अपडेट मिलने वाला है, ये बहुत अच्छी बात है। अभी अगर बात करें प्रेजेंट टाइम की तो मैं इस पर चला रहा हूँ iOS 13.7 और जल्दी ही अक्टूबर तक इसमें जो अपडेट है वो iOS 14 का भी अपडेट मिल जाएगा। कोई कंपनियाँ होगी दोस्तों जो 5-5 साल तक अपडेट दे किसी फ़ोन को, आप कोई भी फ़ोन ले लीजिए, 5 साल तक तो मुश्किल ही है। 2015 में आया था, 2020 ख़त्म होने वाला है दोस्तों, और 5 साल तक इसको बराबर अपडेट मिलते रहे हैं और iOS 14 का भी अपडेट मिलेगा। सो मुझे काफ़ी ये फ़ोन बहुत अच्छा लगता है गाइस, सब हर किसी चीज़ के मामले में। बस हल्की सी मार खा जाता है ये फ़ोन बैटरी के मामले में, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो ना गाइस, तो मैं आपको बताऊँ, अगर आप मॉर्निंग में 10 बजे ऑफिस के लिए निकलते हो इसको 100% चार्ज करके, वैसे 100% तो किसी भी फ़ोन को नहीं चार्ज करना चाहिए, आप इसको 95% तक चार्ज कर लेते हो और ऑफिस में काम करते हो, अगर आप अगर ईमेल्स वगैरह चेक करते हो फ़ोन में, YouTube 2-2 घंटे देख लिया, तो आप जब शाम को वापस आओगे 6-7 बजे तब आपको इसमें जो बैटरी है वो 20-25% तक मिल जाएगी सब कुछ यूज़ करने के बाद में। सो नॉर्मल अगर बात करें यूज़र्स की तो फ़ोन बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं कि बहुत बेकार फ़ोन है कि बैटरी एकदम चलती नहीं है, बैटरी काफ़ी अच्छी चलती है गाइस इस फ़ोन में, और इसमें जो ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी अच्छा है। अभी आप लोग देख रहे होंगे एकदम यहाँ पे मैंने कर रखा है ताकि वीडियो सही से आप लोग देख सको, ब्राइटनेस बहुत बढ़िया है, आप लोग देख लीजिए, मैंने फुल किया तो आपको कुछ दिख ही नहीं रहा होगा। सो ब्राइटनेस के मामले में ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया है इतने साल बाद भी। सो आप धूप वगैरह में हो, बाहर हो, तो वहाँ पर भी आप अच्छी तरीके से इसको इन्जॉय कर पाओगे। फ़ोन बहुत बढ़िया है, इसकी मैं कितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। आप इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, आपको कुछ बताना है यहाँ पे क्लिक करके, आप जो अपने फ़ोन की जो स्क्रीन है यहाँ पे देखिए ये रिकॉर्ड होना शुरू हो गई है। सो इसमें फंक्शन बहुत सारे हैं, मैंने एक वीडियो बनाई, आप लोग जो है चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को, इसके टिप्स और ट्रिक्स के बारे में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, आप लोग वो देख सकते हो। सो वो भी आप जो है चेक कर सकते हो। सो फ़ोन बहुत बढ़िया है और हर चीज़ आपको इसमें मिल जाती है, बस हल्की सी मार खा जाता है जो है बैटरी के मामले में। परफॉर्मेंस आपको जो है क्वालकम स्नैपड्रैगन को 730G प्रोसेसर मिलता है, उसको भी ये टक्कर दे देगा, मैं सही कह रहा हूँ गाइस, इसकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बढ़िया है, बस हल्की सी बैटरी वीक है। और अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं तो आपको ये फ़ोन लेना चाहिए, बहुत बढ़िया फ़ोन है। और अगर आप नहीं ये लेना चाहते इतना पुराना फ़ोन, तो आप आईफोन SE 2020 खरीद सकते हो थोड़े पैसे और खर्च करके। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।